अरे पीर हजरत मखदूम शाह बाबा और मां साहब को सलामी लगी। अरे जनरल सलूट सलामी शस्त्र। सलमान घाट बगल शस्त्र। परेड विसर्जन। सर क्या कहना चाहेंगे, ये बार उरुस जो है बड़े ही सादगी से मनाया गया है, और क्या कहना चाहेंगे? जी जैसा आपको मालूम है जो माहिम मखदूम शाह बाबा दरगाह का जो उर्स है काफ़ी पारंपरिक है, काफ़ी ऐतिहासिक एक इवेंट है, और माहिम पुलिस स्टेशन का मुंबई पुलिस का उससे एक गहरा रिश्ता है। सालों साल से जो पहला संदल है वो माहिम पुलिस स्टेशन की तरफ से पेश किया जाता है, और हमारे सारे पुलिस कर्मचारी अधिकारी इसमें सम्मिलित होते हैं। सो इसको ध्यान में रखते हुए, और लेकिन दो साल से जो कोविड का एक साया हम सब पे है तो वो अभी भी टला नहीं है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो कोविड की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हुई हैं तो उस वजह से जो इस बार का भी जो सेलिब्रेशन है, जो ऑब्जर्वेंस है, वो काफ़ी सिंपल रखा गया है। और जैसा आपने देखा कि बिना बैंड के सब बहुत ही कम लोगों को रखते हुए साथ में, और छोटे रूट से जो उर्स का जो हमारा मेन्यू था वो निकाला गया, और इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं जो अलग अलग जगहों से संदल आने वाले हैं उन्हें भी यही बताया गया है कि आप कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखें, डबल वैक्सीनेटेड लोग ही इधर आने चाहिए, और हैंड सैनिटाइज़र मास्क लगाते हुए आएँ, और कोई बिना किसी बैंड के इधर आने चाहिए। और इस हिसाब से ये जो इस साल का उर्स भी है वो एक सादगी से मनाया जाएगा, यही हमारी तरफ से सूचना है। सर लोगों का कितना कोऑपरेशन रहा है अभी तक? जो हमने देखा है आज पहला ही दिन है, और अभी तक जो कोऑपरेशन रहा है बहुत अच्छा रहा है। संदल कमेटी और अपने दरगाह की जो ट्रस्ट है उनकी तरफ से भी अच्छे जो सूचनाएं हैं वो दी गई हैं लोगों को, और अभी तक तो अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, और आगे भी सादगी से ही मनाया जाएगा, कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा ही हमें लगता है। 10 दिन का जो उर्स रहेगा उसमें लोगों से क्या अपील है? लोगों से यही अपील है कि आप कोविड का जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि कोविड का जो अभी नया ओमिक्रॉन का जो नया स्ट्रेन आया है
उसकी वजह से जो खतरा है अभी भी टला नहीं है और इवन वैक्सीनेशन के बाद भी हो रहा है। सो अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है, हैंड सैनिटाइज़र मास्क का यूज़ करें, कम से कम गर्दी करें और टाइम से मतलब जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 10 बजे तक हमारा जो दरगाह का जो दर्शन है वो होना चाहिए, संदल 10 बजे से पहले आ जाने चाहिए, तो वो उसका पालन करें और जो गाइडलाइंस हमारी तरफ से दरगाह की तरफ से दी गई हैं उन्हें फॉलो।